अचानक अयोध्या में विभीषण साक्षात प्रकट हुए। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, जमीन में से माँ सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। क्या सचमुच में विभीषण आज के समय जीवित है? क्या सच में विभीषण अपने प्रभु श्री राम से मिलने अयोध्या आ चुके हैं? ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 2400 घंटे चल रहा है। दोस्तों, किसी भी मंदिर में की जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। अब हम जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और ये भी जानेंगे कि विभीषण जी राम मंदिर में कैसे प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना कहलाता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के लायक नहीं मानी जाती। ऐसी मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात प्रभु श्री राम साक्षात अयोध्या में निवास करने वाले हैं और जब स्वयं प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या आ रहे हैं तो उनके प्रिय मित्र भक्त विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब भगवान श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज्य संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी भगवान राम की भक्ति उनके लिए भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो श्री राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित। लेकिन क्या विभीषण जी आज भी जिंदा है? इसका जवाब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान लोग आज भी इस पृथ्वी पर स्वशरीर जीवित है, जिनमें से कुछ रामायण काल के है तो कुछ महाभारत काल के तथा कुछ महान लोग उससे भी पहले काल के जीवित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि इन चिरंजीवियों में शामिल है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी न बढ़े। दोस्तों, इन्हीं चिरंजीवी में एक विभीषण जी भी है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, ये बहुत बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण अपने बाल्यकाल से ही धर्म परायण रहे। वे अपने भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का भी विरोध करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया, इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि विभीषण जी आज भी जीवित है, लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में कब और कैसे देखा गया, यह घटना हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना है 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की। रोज की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में सो रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम के जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी को भी रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की इजाजत अभी बिल्कुल भी नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही हो। तब सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए, लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे यह आवाज राम मंदिर से आती प्रतीत हो रही थी।
तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई। फिर उसने इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वह काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक दिव्य पुरुष जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे काफी दिव्य पुरुष हों और किसी पौराणिक समय से आए हो। उनका बैठने का तरीका, उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष ये नज़ारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद वह अपने साथियों के पास गया और सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। चूंकि रात्रि का समय चल रहा था इसलिए सभी ने सुभाष की बातों को भ्रम बताया, लेकिन सुभाष जानता था उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप कर रहे थे वे दिव्य पुरुष आखिर थे कौन, क्योंकि आज के समय किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं है। उनका संबंध जरूर पौराणिक काल से हो सकता है, और अगर रामायण काल की बात करें तो ये वही शख्सियत है जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में किया जाता है। पहले है हनुमान जी, दूसरे है विभीषण। तो पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित है और 8 चिरंजीवियों में से एक है। दोस्तों, ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहां कहीं दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची है। आने वाली 22 जनवरी 2024 के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए यह संघर्ष किया वे सभी अयोध्या पहुंचेंगे। राम मंदिर में 11,000 से ज्यादा VIP मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब रामलला टेंट में विराजमान थे, आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था, देवता इसे स्वर्णिम नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद यह भूमि वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः भगवान श्री राम जी की कृपा हुई। अयोध्या में सरकार ने करोड़ों रुपयों का विकास कार्य किया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया। 1528 ईस्वी में श्री राम मंदिर को बाबर के आदेश से सेनापति मीर बाकी ने गिराकर वहां मस्जिद बना दी। इसके बाद से हिंदू समाज एक दिन भी चुप नहीं बैठा। 23 दिसंबर 1939 को हिंदुओं ने वहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दिया। 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जज वाली बेंच ने फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। और अब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।